देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूँ डिवाना। नगर पालिका में सफाई ठेके में कथित अनियमितता गड़बड़ी सामने आई है। आरोप है नियमों के विपरीत बिना कार्य अनुभव बगैर संसाधन वाली एक फर्म को सफाई का ठेका दे दिया गया। यही नहीं, प्रमाणीकरण के बिना ही फर्म को भुगतान भी कर दिया गया। इस मामले के सामने आने के बाद विपक्षी दल भाजपा आक्रामक हो गई। भाजपा ने नगर पालिका प्रशासन पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। भाजपा के विधानसभा प्रत्याशी रहे जितेंद्र सिंह जोधा ने आरोप लगाया, डीडवाना नगर पालिका का संपूर्ण प्रशासन अकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। नगर पालिका द्वारा जारी होने वाले प्रत्येक टेंडर में भ्रष्टाचार खुलेआम किया जा रहा है। ऐसे लोगों को ठेकेदार बनाकर टेंडर दिए जा रहे हैं जिन्हें कार्य का कोई अनुभव तक नहीं। उन्होंने आरोप लगाया, डीडवाना शहर की सफाई व्यवस्था बुरी तरह से बदहाल हो रखी है, लेकिन जिस फर्म को ठेका दिया गया उसकी कोई जांच तक नहीं की गई। वहीं फर्म के पास ना तो पर्याप्त संसाधन है ना ही सफाई कर्मचारी। उन्होंने सफाई ठेके में वित्तीय अनियमितता की जांच करने की मांग करते हुए कहा, शीघ्र ही भाजपा द्वारा नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार टेंडर्स में अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, आप लोगों के माध्यम से और हमने बार बार यहाँ के प्रशासन को भी चेताया, डीडवाना नगर पालिका में जब से कांग्रेस का बोर्ड बना है भ्रष्टाचार कोई बड़ी बात नहीं है। और इतना भ्रष्टाचार शायद मैंने राजस्थान की किसी नगर पालिका में सुना नहीं है। यहाँ तो आप सफाई ठेके की बात करते हो, चाहे सड़क निर्माण का काम हो, चाहे अन्य तरह की निविदाएँ हो, यहाँ के नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के चेयरमैन मिलकर हर टेंडर में इन अनियमितताएँ करते हैं। हर टेंडरों को मैनेज किया जाता है। सफाई कर्मचारियों के ठेके की तो आज आपने बात बताई है, हमारे सामने कल ही आई थी। इससे पहले सड़कों का करोड़ों रुपए का जो टेंडर है वो टेंडर मैनेज में, उन टेंडरों में इन्होंने आपस में मिली भगत करके उसमें पैसों का लेन देन का काम हुआ है। बहुत से ठेकेदार लोग हमें आते हैं और बताते हैं। तो नगर पालिका का जो सफाई का काम जिस तरह के ये लोग ले रहे हैं, जिनको कभी सफाई से कोई मतलब नहीं रहा, जिनके पास संसाधन नहीं है, जिनके पास जो संसाधन और ट्रैक्टर नहीं है, जिनके पास सफाई कर्मचारी नहीं है, जिनको खुद को इस बात का अनुभव नहीं है कि सफाई कैसे होती, उन लोगों को जो विधायक के चहेते हैं और सत्ता पक्ष के बने हुए अपने पाप को मठादी समझते हैं और आपस में मिल मिला के नगर पालिका के अधिकारी और ऐसे लोगों को टेंडर दे दिया। आज डीडवाना की आप हालत देखिए और ये गलत तरीके से भुगतान हो रहा। मैं तो कहता हूँ इस संपूर्ण प्रक्रिया की, नगर पालिका में जितने भी पिछले 2 साल में टेंडर में सब की एसीडी से जांच करें। और यहाँ के विधायक महोदय से भी मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ कि डीडवाना नगर पालिका में इतनी धांधली हो रही है, आप आगे आकर जांच कराने के लिए कुछ अधिकारियों को निर्देश क्यों नहीं देते, कलेक्टर साहब को निर्देश क्यों नहीं देते, एसीडी से जाँच क्यों नहीं करवाते, ऐसे भ्रष्ट तंत्र को यहाँ से हटाते क्यों नहीं, जबकि यहाँ का पूरा प्रशासन नगर पालिका का भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। पूरे टेंडर मैनेज किए जाते हैं रोज यहाँ पर। और सफाई कर्मचारी की आज डीडवाना की सफाई का आलम देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 130 नए कर्मचारी लेने के बाद भी डीडवाना की सफाई की हालत है। और ये ठेकेदार आपस में नए नए ठेकेदार बनाकर, जिनको कोई अनुभव नहीं है, संसाधन नहीं है, वो लोग ठेके लेके